चल। ओ तेरे शुक्र है यार, बच गया, नहीं तो मेरी टांगी पकड़ लेनी थी। चलो यार जाओ। अगर अस्सलाम वालेकुम जी, एक वेलकम हो गया जी एक नए ब्लॉग के साथ। कल जो है वो हमने कटिंग शटिंग करवाई है यार, कहीं जाना ही पड़ जाता है। अप्पू बच्चा बन गया उन्होंने, नजर ना लगा देना यार, माशाल्लाह भी कह दिया करो। ये कम मई हो चुकी है, 7 बज रहे हैं और धूप जो है वो थोड़ी थोड़ी निकली हुई है अभी। ऐसे जैसे बादल छाए हों आसमान के ऊपर, ठंडक ठंडक महसूस हो रही है। जैसे फरवरी में ठंडक नहीं महसूस होती सुबह सुबह, वैसे आज मई में ठंडक महसूस हो रही है हमें। हाँ, इधर जा रहे हैं, इधर लस्सी लैन। स्कूल नहीं जाना, छुट्टी किस बात की है? या कम मई है आज? क्यों मारते हो कुत्ते को? इतने बड़े नहीं है। जब वो बैठा हुआ है और पीछे खड़े हो गए। अच्छा अच्छा, पाजो 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 पाजो, चल। ओ तेरी यार शुक्र है बच गए यार, नहीं तो मेरी टांग ही पकड़ लेनी थी यार। चल चल पाजो। ये ट्रांसपोर्ट शायद की खड़ी हुई है, 1 2 3 4 5 और एक वो खड़ी हुई, 6 गाड़ियां खड़ी हुई हैं इधर। ट्रांसपोर्ट ही ट्रांसपोर्ट खड़ी हुई है इधर। मांगने वाले आ गए, ये ना अंदर चले जाए घर पे। हेलो, चलो तो बंद करते हैं इसको, खोलते हैं। 1965 वाली स्कूटर हम अभी बाहर निकालते हैं। स्कूटर हमने बाहर निकाल लिया, अब इसको करते हैं बंद। इधर से गुजरवाया कुत्ते से बचा के, अब इधर से आ रहा। हाँ, लस्सी मिली नहीं? लस्सी अरे यार भी है, भी मिली थी। चलो भजो फिर कार लो। तो वैसे यार मुझे एक बात की समझ नहीं आती यार, ये कम आई है मजदूर डे है, तो मजदूर जो है वो काम पे जा रहे हैं, तो जो बड़े बड़े अफसर हैं वो छुट्टी करके घर बैठे हुए हैं। ये यकम मई जो है वो मजदूर डे बनाया गया है, मजदूरों को छुट्टी होनी चाहिए, मगर मजदूर इतने मजबूर हैं तो वो काम पे जा रहे हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा। छुट्टी करना मुयसर ही नहीं है क्योंकि घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। एक छुट्टी कर लें तो घर में फाके पड़ जाते हैं, तो उनको जाना पड़ता है मजदूरी के लिए। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि यकम मई मजदूरों के लिए बनाया गया है, ना कि अफसरों के लिए। सरकारी छुट्टी है, सरकार के सारे बंदे जो है वो छुट्टी पे हैं और मजदूर जो है वो काम पे जा रहे हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही यार, आपको समझ आई तो मुझे बता दे। तो दोपहर के खाने के लिए हम आ चुके हैं जी घर। टेढ़ में जो है वो चूहे दौड़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं कि क्या पका है घर में। तो उबले हुए अंडे आपको नज़र आ रहे होंगे और उबले हुए आलू शोरे वाले, तो हमने इसको चंगी तरह से मिद ली। हमें ना इसको मिद के खाने का मज़ा आता है, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर की रोटी, उसके बाद 4-5 अंबियां कच्ची पड़ी हुई थी, मैंने कहा चटनी बना लें, ये पापा की परियों को बहुत पसंद है चटनी, ये अंबियों कच्ची अंबियों वाली, इसके अंदर हमने डाला प्याज, ये चटनी बहुत प्यारी लग रही है, खाएंगे मज़ा आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मुंह में पानी आ रहा होगा पापा की परियों को, तो चेक करते हैं। उसके साथ थोड़ा सा सालन भी लगाएंगे ताकि मज़ा दोबाला हो जाएगा। वाह, चस आ गई यार, मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह जी। हमने खाना खा लिया। तो यार आपको एक चीज़ दिखाई नहीं मैंने यार, मैं बाज़ार गया था, बाज़ार से हम एक चीज़ लेके आए हैं, ये है ब्लूटूथ हेडफोन लेके आए हैं एक। यार मैंने सोचा यार मोबाइल जेब में होता है तो कॉल वगैरह सुननी होती है, तो ये कान में लगा के हम सुनेंगे। तो हम बाज़ार गए थे तो हम लेके आए हैं ये ब्लूटूथ वाली हैंड फ्री। ये देखें जी, ये कंफर्टेबल थी, मुझे लगी अच्छी लगी, यहाँ से ऑन ऑफ होती है, ये इसका क्लिप है, ये कान पे लगता है, ये नीचे नहीं गिरेगी जब बाइक पे बंदा जा रहा होगा। तो हमें ये अच्छी लगी, हमने ले ली, तो कान में लगाते हैं देखते हैं सही बैठती है कि नहीं बैठती, सही लग रही है। उसके बाद आ गया जी धुआना,
रोटी के बाद दुहाना तो हम लाजमी खाते हैं यार, क्योंकि रोटी खाएंगे उसके बाद ठंड जो है वो दबाने नहीं पानी है अंदर। अब दबाना खा रहे हैं, मज़ा आ रहा है यार। होरिया टाफियां बांट रही है यार, मुझे नहीं दे रही। मारे मारे भाई, मुझे मारे। भी दो, मुझे भी दो टाफी, दो मुझे। बस एक लेनी है, बस बस दो दो टाफी आप खा लो ना, उसे चलो। तो बच्चे जड़े टाफियां लेने नहीं आ रहे सी इस वजह। चल इधर आ, इधर आ जाओ, मेन बाजार जा रही है।